नमस्ते अमेंडमेंट नंबर सेवन यानी कितने सारे अमेंडमेंट्स वी एग इन द प्रिंसिपल एक्ट और ये सारे अमेंडमेंट्स नवंबर सिक्सटीन आईपीसीसी को एप्लीकेबल है ठीक है ऑफ़ कोर्स के आगे सबको ही एप्लीकेबल होगा लेकिन नवंबर सिक्सटीन को भी एप्लीकेबल है बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की तरफ जो कि वन वन सेवन में है सेक्शन वन वन सेवन सब सेक्शन थ्री रेजोल्यूशन एंड अग्रीमेंट्स टू बी फाइल विदिस्ट्र एक बात तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे सारा कंपनीज कंपनी थर्टीन आपने पढ़ा है कि जो भी रेजोल्यूशन पास होते हैं उसके पास होने के थर्टी डेज के अंदर इट शुड बी फाइल रजिस्ट्रार और अगर नहीं फाइल किया रजिस्ट्रार के पास वो रेजोल्यूशन विल बी नल्लीफाइड इट विल लैप्स ये तो पता है आपको और एक और चीज आपको पता है जो हमने मेमोरेंडम में देखा था द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार इज द पब्लिक ऑफिस थ्री नाइनटी सिक्स टू बी रेड विथ थ्री नाइनटी नाइन सो वॉट एवर डॉक्यूमेंट फाइल विद रजिस्ट्रार मस्ट बी दब्लिक डॉक्यूमेंट थ्रोन ओपन टू दब्लिक सब पढ़ा है अब वन वन सेवन थ्री में एक लिस्ट आने वाली है क्या आने वाली है स्टूडेंट बताओ लिस्ट आने वाली है किसकी लिस्ट आएगी रिजोल्यूशन की जो किसके पास फाइल किया जाएगा रजिस्ट्रार के पास और फिर यह सारी चीज क्या बन जाएगी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स लिस्ट देखेंगे हम लोग सबसे पहला द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शेल अप्लाई टू स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करना है आपको रेजोल्यूशन विच है यूनानमस ऑल द मेंबर्स मतलब यूनानस रेजोल्यूशन एनी रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी और एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बाय अ कंपनी रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट रीअमेंट रिन्यूवल ऑफ अपॉइंटमेंट वेरिएशन ऑफ दर्म ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी Resolutions or agreements which have been agreed to by any class of that is class resolutions. Resolution under section 180 subsection 1 clause A, which is a restriction on the board of directors to sell, lease, or otherwise dispose of the whole or the part of the undertaking. Or a core 180 one hundred and eighty one C That is one section 180 subsection 1 clause C again is a restriction on the board of directors to borrow money along with the already borrowed money which shall exceed. Aggregate of its paid up share capital. Resolutions requiring a company for wounding up voluntarily passed in pursuance of section 304. Resolutions passed in pursuance of subsection 3 of section 179. And any other resolution or agreement as may be prescribed and placed in public domain. So, this is the resolution. एक स्पेशल रेजोल्यूशन है एक यूनानस रेजोल्यूशन है एक क्लास रेजोल्यूशन है एक रेजोल्यूशन रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर है दो रेजोल्यूशन 181 ए 181 सी के अंदर है 304 में वाइंडिंग अप का रेजोल्यूशन है ठीक है 179 सेवेंटी नाइन सबसेक्शन थ्री में रेजोल्यूशन है ये सारे रेजोल्यूशन है जो रजिस्ट्रार के पास फाइल करने लेकिन ये सारे इसमें अमेंडमेंट किधर हुआ है लब, ये तो प्रिंसिपल एक्ट है लिखना तो पड़ेगा पर बहुत इजी है यार अमेंडमेंट सारे रेजोल्यूशन है बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है ये देखो क्या आ गया और इसका मतलब अमेंडमेंट एंड वर्ड में है एंड वर्ड में हा इसका मतलब अमेंडमेंट वन वन सेवन सब सेक्शन थ्री क्लॉज जी वो देखो जी क्योंकि वर्ड जी में ही है ना बस थ्री जी में अमेंडमेंट है अब क्या अमेंडमेंट है जरा देखेंगे हम लोग एंड शैल बी ओमिटेड जो वर्ड है ना एंड जो एंड में आता है एंड में एंड एंड में वो ओमिट हो जाएगा ठीक है अच्छा आफ्टर क्लॉज प्रोवाइजो आ जाएगा एक प्रोवाइजो आएगा एक, एक नया प्रोवाइजो इंसर्ट किया जाएगा नेमली Provided that no person shall be entitled under section 399 to inspect or obtain copies of such resolutions and oh तो जी के बाद जो एंड था वो उठा दिया proviso लेकर आया वो प्रोवाइसो के बाद वो एंड डाल दिया क्योंकि एंड के बाद लास्ट पॉइंट आने वाला है हं? हं? समझ आ रहा है नहीं अलो अभी समझ आ जाएगा ये देखो अभी देखा अच्छा एंड किधर है पहले बताओ स्टूडेंट्स बोलो यार एंड किधर है क्लॉज जी में है ना जी में अच्छा वहां से एंड निकाल दो वहां प्रोवाइज वो ले आओ ले आओ, आओ. बराबर आ गया उधर अमेंडमेंट एक्ट ने प्रोवाइज ले आया उधर अच्छा प्रोवाइज वो किया यह प्रोवाइजो है प्रोवाइडेड एट नो पर्सन शैल बी एंटाइटल अंडर सेक्शन 399 नाइन नाइन टू इंस्पेक्ट और ऑप्टेन द कॉपीज ऑफ सच रिजोल्यूशन एंड तो जो एंड जी के बाद था वो एंड बताओ अभी किसके बाद होगा प्रोवाइजो के बाद होगा एंड पॉइंट नंबर एच लेकिन ये सब धाम ध्रुम धाम ध्रुम करने की जरूरत क्या है एक ही कारण है सबसे बड़ा कारण है आपका क्लॉज जी जो रेजोल्यूशन क्लॉज जी में पास हो रहा है सेक्शन 179 सब सेक्शन थ्री वो सारे रेजोल्यूशन प्रोवाइजो के हिसाब से भले रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ेगा लेकिन 399 का एप्लीकेशन नहीं होगा पब्लिक उन रेजोल्यूशन को इंस्पेक्ट नहीं कर सकती यानी वो रजिस्ट्रार के पास तो फाइल होगा पब्लिक ऑफिस में फाइल होगा लेकिन वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं बन सकता सर बोलो सर हमको वो देखने का है वन कि ऐसा क्या है उसमें ऐसा क्या है उसमें जो भले रजिस्ट्रार बाद हम फाइल करेंगे लेकिन वो पब्लिक थ्री का एप्लीकेशन नहीं होगा और पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा तो आपको देखना है पक्का नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे नमस्ते